शांति और अमन बनाए रखने का अपील प्रधानमंत्री करे ये कहना कौन से कानून के तहत ये ऑफेंस बनता है? और यदि उनको तकलीफ मिर्ची इस बात से लगी कि मैंने यह कहा कि गोडसे के भक्त है, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि भैया लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के गोडसे मुर्दाबाद का नारा एक बार लगा दीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं मानता हूं इससे बड़ी बुजदिली और कायरता कुछ नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहूंगा ये है 56 इंच की कायरता, यह है 56 इंच की बुजदिली। ये कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है कि हम गुवाहाटी की हाईकोर्ट को अपील करेंगे कि आसाम पुलिस अपने चरित्र को सुधारे। ये आसाम पुलिस क्या कह रही है, क्या कर रही है, किसके इशारों पर कर रही है, किसके कहने पर कर रही है? जुडिशियरी ने यहां तक कहा कि आपकी कस्टडी में कोई अक्यूज्ड है और आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो आप अपने बदन पे सीसीटीवी कैमरा लगाइए। इस प्रकार का कमेंट आसाम की जुडिशियरी को करना पड़ा। फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। इट्स माय चैलेंज टू यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीएमओ में बैठे गोडसे के कुछ भक्तों के द्वारा मुझ पर जो एफआईआर हुए उसके ऊपर मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। साथियों, मेरे केवल एक ट्वीट करने पर पीएमओ में बैठे गोडसे के भक्तों ने इतने संगीन दो एफआईआर मुझ पर कर दिए। व्हाट डज इट शो? ये क्या दिखाता है? गुजरात की सरकार, प्रधानमंत्री और देश की मोदी सरकार की मंशा क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है? 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, उसमें आप किसी की जांच नहीं करना चाहते। एक दलित महिला भाजपा के मंत्री के खिलाफ बलात्कार का इल्जाम लगाती है, आप उसमें कोई जांच नहीं करना चाहते। एक तो नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, आप उसमें कोई जांच नहीं करना चाहते। लेकिन मैंने केवल एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट का कंटेंट क्या है? मैंने केवल यही कहा कि गुजरात के हिम्मतनगर, खंभात और वेरावल, इन तीन जगह पर जहां पर कम्युनल टेंशन हुआ है, कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, तो चूंकि जब प्रधानमंत्री गुजरात से है और वो गुजरात के दौरे पर है, गुजरात आने वाले हैं, तो मैं उनको विनती करता हूं कि महात्मा का मंदिर बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी साहब, इस कम्युनल इश्यूज को देखते हुए आप जब गुजरात आ रहे हैं तो प्लीज शांति और अमन बनाए रखने का अपील करें। मैंने उनको यही अपील किया है कि आप गुजरात की जनता को कहें कि दंगा फसाद ना हो, पीस और हार्मनी मेंटेन करिए। क्या इस देश में शांति और अमन बनाए रखने का अपील प्रधानमंत्री करे ये कहना कौन से कानून के तहत ये ऑफेंस बनता है? और यदि उनको तकलीफ मिर्ची इस बात से लगी कि मैंने यह कहा कि गोडसे के भक्त है, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि भैया लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के गोडसे मुर्दाबाद का नारा एक बार लगा दीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज जो भी सब्जेक्ट पे इस देश के न्यूज चैनल्स में डिबेट हो, वहां भाजपा के सारे पत्रकार कहे कि गोडसे मुर्दाबाद, तो वो सवाल ही नहीं रहेगा। लेकिन आप शांति और अमन का अपील नहीं करना चाहते और 19 तारीख को मेरे खिलाफ एफआईआर होता है, मैं सिटिंग एमएलए हूं, अचानक पुलिस रातों रात 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके आसाम से गुजरात आती है। 19 तारीख को एफआईआर हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा है उन्होंने कितने बजे फ्लाइट बुक करवाया। कोकराझार पुलिस स्टेशन और गुवाहाटी चार घंटे की दूरी है, 4.5 घंटे होते हैं, वहां से आप गुवाहाटी पहुंचते हो, गुवाहाटी से बेंगलोर का फ्लाइट, बेंगलोर से अहमदाबाद का फ्लाइट, अहमदाबाद से आप 140 किलोमीटर दूर वड़गाम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां मुझे गिरफ्तार करने आए। मतलब कि कहीं ना कहीं एफआईआर करने से पहले आपके फ्लाइट के टिकट्स बुक हो चुके थे, इट वॉज अ प्री। ले गए तब मुझे बता नहीं रहे, उनके मालूम है कि मैं लॉयर हूं, लॉ मेकर हूं, मुझे बोल नहीं रहे कि कौन सा मुकदमा है, एफआईआर का कॉपी नहीं दे रहे, कौन सी सेक्शंस लगी वो नहीं बता रहे, मेरे परिवार से, मेरे माता पिता से बात करने की अनुमति नहीं, मेरे लॉयर से बात करने नहीं दिया। यहां तक कानून के धजिया उड़ाकर एक एमएलए का जो प्रोटोकॉल और प्रिविलेज होता है उसके तरफ पूरा ब्लैटेंट डिसरिगार्ड करते हुए
गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को भी पताया नहीं, उनको भी पताया नहीं, उनको भी जान नहीं थी, उनको भी पता नहीं था कि हमारे एक सिटिंग एमएलए को आसाम पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए आई है। वो जब आसाम पहुंचे, शायद उसके बाद मैं उनकी कस्टडी में गया, तब शायद गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को बताया गया कि आपके एमएलए को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। तो मैं तो मानता हूं ये आसाम की पुलिस ने गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव को खंडित किया है, और ये गुजरात की सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। इसमें उनकी इतनी थू हुई, बावजूद उसके उनको शर्मिंदगी महसूस न हुई, एक महिला को आगे किया और दूसरा एफआईआर मुझ पे करवाया। मैं मानता हूं इससे बड़ी बुजदिली और कायरता कुछ नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये है 56 इंच की कायरता, ये है 56 इंच की बुजदिली। आप एक महिला को आगे करके 2500 किलोमीटर दूर बैठे किसी सिटिंग एमएलए के खिलाफ इतना फर्जी मुकदमा करते हैं। और ये केवल मेरा एलिगेशन नहीं, मेरे पास आसाम की जुडिशरी का बेल ऑर्डर है। क्या कहती है आसाम की जुडिशरी? इंस्टेंट एफआईआर इन द सेकंड इंफॉर्मेशन एंड सीम्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ये एफआईआर मैन्युफैक्चर्ड है, यह आसाम का जुडिशरी कह रहा है। उनका कमेंट है, दिस एफआईआर इज नॉट मेंटेनेबल, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा बनता ही नहीं। आसाम की जुडिशरी कह रही है, कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर द सेक्शन 353 आईपीसी प्राइमा फेसी इज नॉट एस्टाब्लिश, प्राइमा फेसी मेरे खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं। नो सेन पर्सन विल एवर ट्राई टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ लेडी पुलिस ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ टू मेल पुलिस ऑफिसर्स। ये आसाम की जुडिशरी कह रही है, द कॉन्ट्री टू द एफआईआर द विक्टिम वुमन हैज डिपोज्ड अ डिफरेंट स्टोरी बिफोर द लर्नेड मैजिस्ट्रेट। जज महोदय के सामने उन्होंने कुछ कहा और एफआईआर की जो सूचना है, एफआईआर में जो इंफॉर्मेशन है, जो एलिगेशन है मेरे खिलाफ, दोनों के बीच में बहुत अंतर है। कौन कह रहा है? यह बेल का ऑर्डर कह रहा है। इसी ऑर्डर में जज महोदय ने लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबो टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम वुमन द इंस्टेंट केस इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग द अक्यूज्ड श्री जिग्नेश मेवानी इन डिटेंशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कोर्ट एंड अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। इंस्टेंट एफआईआर इज नॉट मेंटेनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऑनरेबल गुवाहाटी कोर्ट में परहैप्स कंसिडर डिरेक्टिंग द आसाम पुलिस टू रिफॉर्म इटसेल्फ। ये कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है कि हम गुवाहाटी की हाईकोर्ट को अपील करेंगे कि आसाम पुलिस अपने चरित्र को सुधारे। ये आसाम पुलिस क्या कह रही है, क्या कर रही है, किसके इशारों पर कर रही है, किसके कहने पर कर रही है? जुडिशरी ने यहां तक कहा कि आपकी कस्टडी में कोई अक्यूज्ड है और आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करना है, तो आप अपने बदन पे सीसीटीवी कैमरा लगाइए। इस प्रकार का कमेंट आसाम की जुडिशरी को करना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि आप एक महिला का इस्तेमाल एक सिटिंग एमएलए को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस होने के बावजूद भी एक बार भी आसाम की सरकार को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। तो सवाल यह है कि आसाम की सरकार को अचानक क्या मन हुआ कि 2500 किलोमीटर दूर बैठे गुजरात के उस विधायक जिग्नेश मेवानी के खिलाफ एफआईआर करे। मेरा यह दावा है, मेरा यह आरोप है, यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ऑफिस से डिजाइन हुआ कॉन्स्पिरेसी है। गुजरात में चुनाव है और वो चाहता है कि मुझे बदनाम किया जाए, मुझे डिस्ट्रॉय किया जाए, और यहां तक मानो मैं कोई टेररिस्ट हूं, मेरे घर पे छापे किए, मेरे कंप्यूटर को सीज किया, मेरे एमएलए क्वार्टर पे रेड की, लैपटॉप को सीज किया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ऑफिस पे गए, मेरे सारे टीम के लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए। टीम के लोग जब अपने घर पे नहीं मिले, उनके मां बाप के मोबाइल जब्त कर दिए। मैं साथियों कहना चाहता हूं, हम लोग पेगासस के एरा में जी रहे, जहां पर भारत इस मोदी सरकार के खिलाफ एलिगेशन है कि इस सरकार ने पत्रकार, ह्यूमन राइट्स का काम करने वाले वकील और विपक्ष के नेताओं के मोबाइल और कंप्यूटर में स्पाईवेयर को घुसेड़ा है, इंस्टॉल किया है गैर कानूनी तरीके से। इस दौर में जब जी रहे हैं,
तो मुझे ये एप्रीहेंशन चिंता क्यों ना हो कि जो मेरा कंप्यूटर लिया, जो मेरा लैपटॉप सीज किया, जो मेरे मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट लिए, मेरी टीम के लोगों के मोबाइल जब्त की, उसमें देर इज एवरी चांस कि बाय नाउ दे मे हैव प्लांटेड समथिंग, अब तक उन्होंने उसमें कुछ प्लांट किया हो सकता है। तो सवाल ये हो रहा है कि इतना सारा फर्जीवाड़ा करने में प्रधानमंत्री को क्या रुचि है, इतना सारा फैब्रिकेटेड केसेस करके 2500 किलोमीटर दूर एक जेल में डालकर इस देश के लोकतंत्र को, भाजपा को क्या हासिल होगा? करने के लिए बहुत कुछ है, इन सारे मामलों में सरकार कुछ नहीं कर रही है, और एक ट्वीट करने पर इतना हल्ला, इतना शोर, इतना गिरफ्तारी, आधी रात को 12 बजे मानो किसी टेररिस्ट को आप गिरफ्तार कर रहे हो, उस प्रकार का जो आपने माहौल बनाया है, मैं मानता हूं ये देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। पहले उन्होंने रोहित वेमुला को सुसाइड के लिए मजबूर किया, दलित समाज के पत्रकार साथियों को जेल में डाला, चंद्रशेखर की गिरफ्तारी करवाई, और अब ये लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। कोई युवा बोले, कोई पत्रकार बोले, कोई वकील बोले, और उसमें भी यदि कोई दलित समाज का युवा लीडर बोलता है तो मोदी साहब अपने कास्ट बायस के चलते उसको हजम नहीं कर पा रहे। ये मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके बीच में कहना चाहता हूं। और मोदी साहब भी गुजरात से है, हम भी गुजरात से हैं, तो उनको चैलेंज भी देना चाहते हैं कि मैं अपने खिलाफ जो मुकदमे हुए मैं उसको जेल लूंगा, मैं वो सब सहन करूंगा, अपने खिलाफ जो केस हुए दोनों उसको वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी के ऊपर हुए आंदोलन के दौरान के सारे केस वापस लिए, उसी प्रकार मेरे विधानसभा क्षेत्र वड़गाम में जो भी माइनॉरिटी समाज के साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, और ऊना के आंदोलन के वक्त जो FIR हुए, जो मुकदमे दर्ज हुए, वो सारे केस आप वापस लीजिए। नंबर दो, ये 22 पेपर लीक हुए, उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा उसकी जांच करवाइए। नंबर तीन, ये मुंद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का जो ड्रग्स पाया गया उसमें गौतम अदानी का इंट्रोगेशन करवाइए, और यदि इस सारे मामलों में आप 1 महीने के दौरान कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं 1 जून पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुजरात चैप्टर और हम सारे गुजरात के लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरेंगे, और गुजरात बंद का इस मंच पर से मैं कॉल दे रहा हूं। मोदी जी, आप भी गुजरात से हैं, मैं भी गुजरात से हूं, आप भी समझ लीजिए, जैसा कि मेरे साथी ने कहा, फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। इट्स माय चैलेंज टू यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जिग्नेश भाई। राजेश भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?